ये वीडियो इस चैनल का आखिरी कंटेंट होने वाला है। एंड अब 10,000 कर ही लिया है तो 1 लाख भी कर ही लेंगे। Hello guys, this is Santoshi Queen from Goa. Hey guys, this is Paul Sharma. I am from Nadara, Rajasthan. Hey, this is Gautam and I am from Bihar. This is Ishwant. I am from Hyderabad. This is Joydeep. I am from Unnakoti, Tripura. This is Priyanshri. I am from Katak, Odisha. This is Kinjal. I am from Vichya, Gujarat. This is Jeevan. I am from Dhanbad, Jharkhand. And this is Pat from Mumbai. This is Dev. I am from Bhadrakad, Haryana. This is Imran. I am from Lai, Chhattisgarh. This is Ajan from Hubli, Karnataka. This is Sarun. I am from Chhatarpur, New Delhi. This is Prince. I am from Delhi. This is Sanket. I am from Bangkok, Gujarat. This is Akshat. And I am from Valiya. This is Srik from West Bengal. This is Nancy. I am from Delhi. This is Mayank from Mumbai. This is Akresh. I am from Delhi. This is Abgar. I am from Jodhpur, Rajasthan. This is Risham and I am from Delhi. So, let's start the video. तो आखिरकार हो ही गए पूरे 100K सब्सक्राइबर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस माइलस्टोन तक पहुंचते पहुंचते मेरे को 3 साल लगभग लग गए, और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मैं इस माइलस्टोन तक थोड़ा और जल्दी पहुंच पाता अगर मैंने इस चैनल के ऊपर और थोड़ा ध्यान दिया होता और थोड़ी टाइम इन्वेस्ट की होती या फिर और थोड़ा मेहनत किया होता। ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं किया, इसके पीछे बहुत मेहनत किया। मेरे को याद है हर वो दिन, हर वो सुबह जब मैं 5-6 बजे तक सुबह वीडियो एडिट करता था ताकि मैं टाइम पे वीडियो अपलोड कर पाऊँ, ताकि मैं आप लोगों को टाइम पे वीडियो दे पाऊँ। बट जब आप इतने सारे चीज़ करते हो ना कुछ चीज़ छूटता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, साथ में फ्रीलांस वर्क करता हूँ जिससे मैं कुछ अर्निंग्स कर लूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने, और उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ता है, जो यूट्यूब से मुझे मिलता है बट इतना ज़्यादा नहीं कि मैं उससे अपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकूँ। और बात रही YouTube की, तो YouTube मैंने कभी अर्निंग पर्पज़ से शुरू ही नहीं किया था। YouTube मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं YouTube से सीख सकूँ। मुझे वीडियो बनाने का मन है, मुझे सीखने का मन है, मुझे अपने स्किल्स डेवलप करने का मन है, इसीलिए मैंने YouTube ज्वाइन किया था, और इसीलिए मैं शायद वीडियो अपलोड करता आया हूँ। एंड YouTube मेरे लाइफ का इतना बड़ा पार्ट है ना, जिसने मुझे इतना सारा चीज़ दिया है, इतने सारे लोग दिए हैं प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। शायद दैट इज़ द ओनली थिंग विच कीप मी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट। मेरे आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं कि तू कॉलेज भी करता है, फ्रीलांस वर्क भी करता है, यूट्यूब भी करता है, कभी कभी जिम भी चला जाता है, बट इतना सारा चीज़ कैसे कर लेता है। तो मैं सच बताऊँ, इतना सारा चीज़ ना एक साथ मैनेज नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाता है, और जो काम ज़रूरी है आपको वो पहले देखना पड़ता है, और फिर जो आपका पैशन है, जो आप अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, उस चीज़ को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा या फिर ये वीडियो इस चैनल का आखिरी कंटेंट होने वाला है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे ड्राइंग करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे कोई भी चीज़ क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। आफ्टर ऑल आई एम एन आर्टिस्ट, और मुझे चीज़ें बनाना, क्रिएट करना, आप लोगों को प्रेजेंट करना, वो मुझे बहुत पसंद है। यूट्यूब करते करते ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो मेरा प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गया, या फिर स्पीकिंग स्किल्स हो गया, या फिर ड्राइंग स्किल्स हो गया, या फिर वीडियो मेकिंग स्किल्स हो गया, बहुत कुछ इंप्रूव हुआ है। शायद मैं पहले जो वीडियो 10 घंटे लगा के एडिट करता था, शायद अभी मेरे पास वो स्पीड है कि मैं वो वीडियो 1 घंटे में एडिट कर सकता हूँ। और इस यूट्यूब जर्नी में ना मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हुई, बहुत सारे बुरी चीज़ें भी हुई है। मतलब ऐसा ऐसा टाइम भी है कि मतलब मैं मान लो ऐसे 12-15 घंटा बैठ के एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ और अचानक से फाइल क्रैश हो जाता है, फिर अचानक से कभी मेरा कैमरा ट्राइपॉड से नीचे गिर के टूट जाता है, कभी मैं 2-3 घंटे बैठ के सामने कैमरा के बात कर रहा हूँ, उसके बाद जाके मैं चेक करता हूँ तो कैमरा वॉज नॉट इन फोकस।
तो ये सारा चीज़ ना, मतलब इस कैमरा ने मेरे को देखा है कि मैं कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड कभी कभी हो जाता हूँ ऐसे काम करते करते, बट बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला है, कभी कभी कहीं पर जाता हूँ कोई आर्ट फेस्ट या कहीं पर, तो लोग पहचानते हैं अब मेरे को। मैंने अपना कैमरा खरीदा, लैपटॉप खरीदा, ये सेटअप क्रिएट किया। इनफैक्ट जिस दिन मेरा 100K हुआ, दैट डे आई बॉट अ न्यू आईफोन। मतलब 60,000 का फ़ोन लेना मेरे लिए कोई छोटा बात नहीं है, एंड आई बॉट इट जस्ट टू मेक दैट डे अ मेमोरेबल डे। और मेरे को मन था बहुत टाइम से लेने का, बट मेरे को उस दिन को स्पेशल बनाना था। मैं रुकता तो वो सेल वगैरह आता है, मैं उस समय भी ले सकता था, बट मेरे को उस दिन खुद के लिए कुछ लेना था। दैट वॉज अ गिफ्ट फॉर मी कि यू वर्क हार्ड तो तुम डिजर्व करते हो, दैट्स वाई आई बॉट दैट फोन फॉर माई सेल्फ। इनफैक्ट जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था ना, तो स्टार्टिंग में जब मैं वीडियो अपलोड करता था तो उस समय ऐसे 150-200 व्यूज़ आते थे, उस समय मैं बहुत खुश होता था। और कभी मेरे को याद है एक वीडियो में ना मेरा 600 व्यूज़ टच किया था, जिसमें मैंने हनुमान जी का ड्राइंग बनाया था ऐसे राम राम लिख के। तो मतलब वो वीडियो को ना मैंने अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में सबको ढिंढोरा पिटा था कि ये वीडियो इतना अच्छा रैंक कर रहा है मेरा, एंड उस समय मैं बहुत खुश हुआ था। तो ये सारे कुछ स्पेशल मोमेंट है जो मेरे को इस चैनल से जुड़ा हुआ है, प्लस जब मेरा सबसे पहला सब्सक्राइबर जो मेरे को ऐसे रैंडमली रोड में मिल गया था, तो दैट इज़ द वेरी बिग थिंग जो मेरे साथ हुए हैं इस पूरे यूट्यूब जर्नी में। और मैं सच बता रहा हूँ तो मुझे कंटेंट क्रिएट करने में, वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है। शायद इसीलिए एक टाइम था जब मैंने एक वीक के अंदर ना 2-3 वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, एक महीने के अंदर मैंने 30 इंस्टा रील, 30 यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। तो ये एक जो पैशन है ना, दैट हेल्प्स मी टू कीप गोइंग ऑन। और मतलब कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना जो आपको ऐसे प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, जो आपके लिए अभी ज़रूरी है। अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ जो ऐसे साइड बाय साइड कुछ काम कर रहा है, तो वो सारे चीज़ को ऐसे अभी इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, जिसके वजह से जो अभी आपका हॉबी कह लो या फिर जो चीज़ आपको मन कर रहा है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ता है, सो दैट आप इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सको। और जब आप ऐसे बाहर मार्केट में काम करने जाते हो ना, तो वहाँ पर देर इज़ अ सिस्टम जो आपको फॉलो करना पड़ता है। और ये सब के बाद भी अगर मेरे को मौका मिलता है ना, तो मैं ऐसे वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ, कभी कोई रील डालने की कोशिश करता हूँ, और मैं ऐसे कुछ कुछ दिन में डालते रहता हूँ। बट ये जो गैप है ना, ये गैप का रीज़न से ना मैं शायद सोच रहा हूँ कि मेरा जो चैनल या फिर मैं उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ जितना मेरे को ग्रो करना चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं इस रीज़न से ना मेरे क्रिएटिविटी के अंदर या फिर मेरे जो क्रिएशन है ना उसके अंदर एक लिमिट आ रही है, लिमिट इन क्रिएटिंग थिंग्स, लिमिट इन क्रिएटिंग कंटेंट्स, एंड लिमिटिंग इन ऑडियंस। उस चीज़ के अंदर एक लिमिट आ रही है जो मैं खुद के ऊपर लगने नहीं देना चाहता हूँ, ना ही इस चैनल के ऊपर लगने देना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैंने बहुत प्यार से इस चैनल को बनाया है। मैंने इसमें ऐसा एक भी कंटेंट नहीं डाला जो मुझे पसंद नहीं है, और उसको मैंने जस्ट ऐसे कंटेंट के तौर पर डाल दिया है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना तो ऐसे वीक में एक वीडियो तो डाल ही दूँ, अगर मेरे को वो क्वालिटी मेंटेन ना करना पड़े जो मैं अपने वीडियो में रखने की कोशिश करता हूँ। मेरा बस यही एक सिंपल सा रूल है कि मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा पिछला वीडियो से बेहतर बने। तो ऐसे ऐसे करते करते इफ़ यू आर कंसिस्टेंट ऑन योर वर्क, आपका जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होते चला जाता है। सो इन्हीं सारा लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आई हैव थॉट दैट मेकिंग जस्ट आर्ट रिलेटेड कंटेंट फॉर दिस चैनल इज द नॉट मेन पर्पस फॉर मी। आई वॉन्ट टू क्रिएट मेनी मोर थिंग्स विच कैन एंटरटेन यू, विच कैन गिव यू अ कंटेंट टू वॉच, एंड जिसमें सिर्फ आर्ट रिलेटेड कंटेंट नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज मेरे को इस चैनल को बड़ा करना है, मेरे को मिस्टर कलाकार कलाकारियंस को बड़ा करना है, जिसके लिए मैं सिर्फ एक छोटे से सेक्टर में काम करके इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ। तो इन सब का कहने का ये मतलब है ना कि ऐसा नहीं है कि आर्ट कंटेंट नहीं आएंगे, आर्ट कंटेंट आएंगे और प्रॉपरली आएंगे जैसे आते हैं, बट मेकिंग जस्ट आर्ट कंटेंट आर नॉट द मेन फोकस ऑफ दिस चैनल फॉर मी। ठीक है, तो मैं फिर से वही बात दोहराने वाला हूँ कि अब जब 1,00,000 सब्सक्राइबर्स कर ही लिए हैं ना, तो 1,000,000 भी कर ही रहेंगे। आई वॉन्ट टू मेक दिस चैनल रियली बिग वन, जिसके लिए चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो, देन डू द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो।